जो उनके हाथ में है, जो उसने हमको बोला है सन सब्सिक्यूरिटी करो, मैटर करो स्टे कर यम दूर आसन तम आसान नजदीक यम थो हेडक्वाटरन पे ये कत गई ये बार 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 ना रोजा पोर्क लाक ना रोजा गो योर तौर गए थोड़ा कॉर्डिनेशन पे वापस योर तो ये लोग चलो बार बार इस झंझट से एक बार कुछ फैसला करो ताकि हम ना कहीं के रहे। अब हमारे बच्चे भी कंफ्यूज हो गए हैं, उनको भी पता नहीं हमारा भी। जम्मू में जॉब मिलती है, वो यहाँ सिक्योर नहीं है तो हम लोग यहाँ कैसे सिक्योर हो सकते हैं? ठीक है, इन्होंने कहा उनको कंपनसेशन मिलेगा, जो भी है उनको वहाँ जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, उनको जॉब भी मिल गई। जब वो लेडी यहाँ पे सिक्योर नहीं है तो हम जैसी लेडीज यहाँ कैसे सिक्योर होंगे? हमारे हस्बैंड कैसे यहाँ, हमारे भाई कैसे यहाँ सिक्योर होंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट इस बारे में सोचे कि जब वो नहीं है, वो जम्मू में ठीक है, हम लोग क्यों नहीं जम्मू में ठीक हो सकते हैं? हम क्यों नहीं एडजस्ट हो सकते जम्मू में? यानी आप शिफ्टिंग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें शिफ्टिंग यहाँ से चलनी चाहिए। बार बार कितनी बार हम भागेंगे, बार बार कितनी बार सिर ये इनोसेंट क्लीन हो जाएंगे। जो आप अभी कंपनसेशन की बात कर रहे हो, सिक्योरिटी की बात, उनकी बात कर, तो वो हमारी कोई डिमांड ही नहीं थी, हमारी कोई डिमांड नहीं थी उसको जॉब दो या नहीं दो। मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, क्या मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी है? वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा मुझे? मेरी एफिकेसी कहाँ चली जाएगी? जब मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं पर, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मैं दरवाजा देखूँ कि अपने ऑफिस की जॉब के देखूँ? तो वंस आई एम लुकिंग एट द डोर कि मैं दरवाजा देखूँ कौन आया कौन गया, तो मेरी एफिकेसी जीरो होगी। मेरा फन ही नहीं यहाँ बैठने का है। जो गवर्नमेंट जिसकी तनख्वाह देगा मुझे, वो तनख्वाह में अपनी जमीर को ही पूरा कर पाऊंगा मैं तनख्वाह? वो जॉब क्या करूँ? चाहे मैं यहाँ करूँ, चाहे आप मुझे कहीं पे बोले कुपवाड़ा में, कहीं कहीं पे भी कर लूँ, जब मेरी एफिकेसी नहीं, फायदा क्यों जॉब करने का? अगर आप गवर्नमेंट को यूटिलाइज करना मेरी सर्विस को, अगर उनको लगता है हालात खराब है, हमें हालात खराब है, कहीं और जाके मेरी एफिकेसी ठीक उठा के देखना, और बस्तियों को देखना, घरों को देखना, बस्तियां वैरान की गई यहाँ की सियासी पार्टियों ने, ये हर एक को मालूम है। जब से 370 खत्म हुआ, सचमुच आप दूध की नदियां नहीं, आज जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल है। हर एक वो नेशनलिस्ट, वो हिंदुस्तानी सर उठा के जी रहा है। ये आपको नहीं लग रहा है ग्राउंड में? हाँ, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं हमारी कम्युनिटियों में जो ऐसे वाकात करते हैं जिससे हमारा सिर झुक जाता है। ये हर एक मुसलमान का सिर झुक जाता तो है। फिर आपने देखा होगा, आपने कभी देखा होगा ऐसे वारदात किसी पंडित भाई ने की है, किसी सिख भाई ने की है, आपने देखा होगा? ये हमें देखना है, इन चीजों को हमें देखना है गौर से। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, तारीख उठा के देखना और बस्तियों को देखना, घरों को देखना, बस्तियां वैरान की गई यहाँ की सियासी पार्टियों ने, ये हर एक को मालूम है। जब से 370 खत्म हुआ, सचमुच आप दूध की नदियां नहीं, आज जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल है। हर एक वो नेशनलिस्ट, वो हिंदुस्तानी सर उठा के जी रहा है। ये आपको नहीं लग रहा है ग्राउंड में? हाँ, ऐसे लोग हैं हमारी कम्युनिटियों में जो ऐसे वाकात करते हैं जिससे हमारा सिर झुक जाता है। ये हर एक मुसलमान का सिर झुक जाता तो है। फिर आपने देखा होगा, आपने कभी देखा होगा ऐसे वारदात किसी पंडित भाई ने की है, किसी सिख भाई ने की है, आपने देखा होगा?
ये हमें देखना है, इन चीजों को हमें देखना है गौर से। और जो भारतीय जनता पार्टी कहते मसाइलों को उठाऊंगा, उजागर करूंगा, गवर्नर साहब तक ले जाएंगे इंशाल्लाह रहमान। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है और इसमें ऐसे लीडर है जो सचमुच ग्राउंड में काम करते हैं। और आज मैं इसलिए इनके पास आया क्योंकि ये हमारा वो हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि अगर जिस्म के ऊपर सिर न हो तो वो जिस्म है ही नहीं, ये हमारे सिर है। तो हमें सबको मिलजुल के इनको साथ देना चाहिए और इनके हर एक दुख में शरीक भी होना चाहिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भाईचारा 30-40-50 सालों से है, इसको कुछ शरपसंद इंसान जख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह रहमान हर एक कश्मीरी हो, ठीक है, चाहे वो पंडित हो, सिख हो, ईसाई हो, भाईचारे को जख्म पहुंचाने की